हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लुकअप फंक्शंस। लुकअप फंक्शंस क्या होते हैं गाइस? अगर हमें कोई भी हमारा एक मेन डेटा है, उस डेटा में से कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम किसका यूज करते हैं? लुकअप्स का। लुकअप्स के अंदर गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो गाइस आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले कोई ना कोई एक फील्ड, जिस फील्ड के बेस पे आप इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं, वो फील्ड आपकी क्या होनी चाहिए गाइस? असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो वैसे हमारे सीरियल नंबर हैं, वो हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही रखे हैं। प्रोडक्ट आईडी, एक थ्रो डेटा लिया हुआ है जिसमें हमने कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डाली हुई है, ठीक है ना। और ये इसके सारे क्या है, इन प्रोडक्ट आईडी है, इसके बेस पे हम इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे। गाइस अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके पास में ही बेल आइकन है, आप उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे कोई भी नोटिफिकेशन से जल्दी मिल जाए। और गाइज आप हमारी चैनल को सब शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, जिससे कि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट हमारे इसे देख पाए। ओके, चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, लुकअप फंक्शंस। ओके, देखिए गाइज ये एग्जाम्पल लिया हुआ है। जैसे मैंने इधर एक प्रोडक्ट आईडी लिखी, अब जिस टाइप से हमारे पास सारी हेडिंग्स है, मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिट्रीव कराना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे लेनी है किसके आईडी के थ्रू। तो हम यहाँ पे गाइस इधर मैंने हेडिंग डाल दी है और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं हटा रही हूँ और यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इधर एक नंबर लिखा, सपोज दैट 0105, ये मेरी प्रोडक्ट आईडी है। अब मुझे क्या चाहिए, इस डेटा में से मुझे यहाँ पर गाइस प्रोडक्ट नेम लेने हैं। तो हमने इधर क्या करा, लुकअप फंक्शन लगाया। ओके, टैप कर दीजिए गाइस, लुकअप आ गया। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है गाइस, लुकअप वैल्यू, यानी कि जिसके बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या, मुझे ये वाली, ये मेरी लुकअप वैल्यू है तो इसे चूज कर लिया, फिर कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद गाइस ये क्या बोल रहा है, लुकअप्स वैक्टर। ओके, लुकअप वैक्टर में क्या है गाइस, हमारा डेटा। इसमें गाइस हमें हेडिंग नहीं सिलेक्ट करनी, विदाउट हेडिंग लेना है हमें, क्योंकि जहां से आप इसका डेटा सिलेक्शन करेंगे, इसकी सर्च डेटा इन्फॉर्मेशन वहीं से बनती चली जाएगी। तो हेडिंग को स्किप करेंगे हम इसे, जहां से आपकी रिकॉर्ड स्टार्ट है हम वहां से लेंगे। ओके गाइस, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है डेटा और असेंडिंग ऑर्डर में हमारी हेडिंग नहीं है। असेंडिंग में हमारा क्या है, नीचे का डेटा असेंडिंग में है, तो इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं गाइस, डेटा से लेंगे, हेडिंग चूज नहीं करेंगे। ओके, देन कॉमा लगाएंगे, कॉमा। अब आप रिजल्ट किसका चाहते हैं गाइस, हम प्रोडक्ट नेम चाहते हैं। तो हमने क्या करा, प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दीजिए गाइस। देखिए अब 105 है, तो देखिए 105 का प्रोडक्ट क्या है, रैम है, तो इधर रैम आ गया। ओके गाइस, तो इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट आ गया। ऐसे ही मैं चाहती हूँ यहाँ पे मुझे कंपनी नेम चाहिए, कंपनी लेनी है, तो आप इधर क्या करेंगे गाइस, लुकअप्स लगाएंगे। लुकअप्स लगा लिया, सेम एज प्रोडक्ट आईडी के बेस पे कॉमा, अपना सोर्स डेटा ले लीजिए कि ये मेरा सोर्स डेटा है, सोर्स डेटा सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, और फिर आपका गाइस यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन डेटा। क्या आप इन्फॉर्मेशन किसकी चाहते हैं, मैंने क्या क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो क्वांटिटी चूज कर लिया, एंटर। देखिए गाइस आपकी, सॉरी गाइस ये गल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमने क्वांटिटी चूज की थी, कंपनी चूज करनी थी, मैंने क्वांटिटी चूज कर ली, सॉरी गाइस, इसे कंट्रोल सेट कर दिया मैंने, दोबारा लगा देते हैं गाइस, इक्वल लगा दिया, और यहाँ पे इधर हमने लुकअप्स लगा दिया। ओके, लुकअप्स और सेम एज इस आईडी के बेस पे, और यहाँ से हमने डेटा ले लिया अपना, ये डेटा चूज कर लिया, और कॉमा लगा दिया गाइस। और कॉमा लगाने के बाद फिर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कंपनीज की चाहिए, तो मैंने, हमने कंपनी चूज कर लिया, यानी ये रहा कंपनी, और एंटर कर दिया गाइस। ये देखिए कंपनी आ गई, यानी कि जो 105 है उसकी कंपनी क्या है, इंटेल है, तो इंटेल आ गई। ऐसी आप क्वांटिटी चूज करा सकते हैं, लुकअप लगाइए गाइस। ओके, आप इधर टाइप करिए लुकअप इक्वल लुक, सॉरी गाइस, लुकअप। ओके, और इसके बेस पे कॉमा, अपना सोर्स डेटा कॉमा, फिर आपका इन्फॉर्मेशन डेटा कि आपको इन्फॉर्मेशन किसकी चाहिए, क्वांटिटीज चाहिए, हमने क्वांटिटी ले ली, तो देखिए गाइस क्वांटिटी आ गई, तो इस रो की ही डिटेल्स चल रही है, देखिए गाइस, ठीक है ना।
और ऐसे ही गाइस आप प्राइस का और टोटल का, टोटल में भी लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, प्राइस का कॉलम देना है और फिर टोटल का कॉलम देना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी गाइस आ जाएगी। ये तो गाइस इसी पेज पे इन्फॉर्मेशन है कि अगर मैंने इसी शीट पे डिटेल लेनी है तो कैसे निकालेंगे। अगर गाइस ये आपका डेटा है और मैं चाहती हूँ इन्फॉर्मेशन मुझे किसी दूसरी शीट पे चाहिए, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग्स हमारे पास होनी चाहिए, हमने हेडिंग्स निकाल के रख रखी है जैसे कि हमें पता रहे हम किसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। और यहाँ पर अपनी आईडी लिख लीजिए, क्योंकि आईडी के बेस पे ही हम इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि आईडी ही हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है। इधर इक्वल लगाया और इधर हमने लुकअप्स ले लिया, लुकअप ले लिया सेम एज इस प्रोडक्ट आईडी के बेस पे मेरी लुकअप वैल्यू है। देन अब आप क्या करेंगे गाइस, शीट नंबर वन पे जाएंगे। अब शीट नंबर वन पे जिस अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, ये डेटा फैक्टर है, कॉमा लगा दीजिए। इन्फॉर्मेशन किसकी चाहिए गाइज आपको, मैंने क्या इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे किसकी, प्रोडक्ट नेम की, तो प्रोडक्ट नेम गाइज एक एरो की यूज करके ऊपर पहुंच जाइए और इसे सिलेक्शन कर लीजिए। अब ये सिलेक्शन गाइज मैं कीबोर्ड से कर रही हूँ, शिफ्ट की दबाकर डाउन एरो की, क्योंकि मेरा ये इन्फॉर्मेशन बॉक्स आ रहा है इस वजह से। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। देखिए गाइज प्रोडक्ट नेम आ गया। अब देखिए जरा आप पीछे वाले शीट पे जाकर अपनी पे 02 जो आईडी है उसका जो प्रोडक्ट नेम है वो क्या है, माउस है। ओके, तो माउस आ गया। अब सेम टाइप से गाइस आप इधर आ जाइए, कंपनी चाहते हैं तो कंपनी ले लीजिए, सेम एज लुकअप लगा लिया हमने, इधर इक्वल लगाया और लुकअप ले लिया। ओके, अब सेम प्रोडक्ट आईडी, ओके, और कॉमा लगा दिया गाइस और शीट नंबर वन पे गए और शीट नंबर वन से हमें इसे क्या कर दिया, अपना डेटा सिलेक्ट कर लिया। ओके, सिलेक्ट करने के बाद अब आप इन्फॉर्मेशन डेटा ले लीजिए कि आपको इन्फॉर्मेशन किसकी चाहिए। मैंने कहा इन्फॉर्मेशन मुझे कंपनी की लेनी है, तो या गाइस यहाँ पर मैंने चूज कर लिया और एक एरो की करके ऊपर, और यहाँ से इसे गाइस आप रेफरेंस टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ आप उधर कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, देखिए गाइस ये यूज हो गया। ओके, अब सेम टाइप से गाइस आप क्वांटिटी, प्राइस और ये सब भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं निकाल देती हूँ जल्दी जल्दी, आप देख लीजिए। लुकअप लगा लिया सेम एज इसके अकॉर्डिंग, कॉमा, शीट वन पर जाएंगे। ओके, फिर अपना डेटा में से सोर्स डेटा ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर आपका इन्फॉर्मेशन डेटा। अब हमें इन्फॉर्मेशन किस चीज की चाहिए गाइस, हमने क्या मुझे क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमने क्वांटिटी चूज कर ली। अब क्वांटिटी के लिए हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, देन गाइस क्वांटिटी आ गई 5। अगेन प्राइस ले लेंगे इक्वल लुकअप, ओके लुकअप ले लिया गाइस, और इसके बाद हमने इसको इन्फॉर्मेशन ले लिया हमारा लुकअप वैल्यू, और यहाँ से फिर हमने अपना डेटा चूज कर लिया। डेटा चूज करने के बाद अब हमें क्या लेना है, किसके बेस पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्राइस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमने इसे गाइस प्राइस ले लिया, डाउन करके सिलेक्शन ले लिया हमने इसे, और ब्रैकेट क्लोज एंटर, देखिए गाइस प्राइस आ गए। ओके, अब टोटल अमाउंट लेना है तो इक्वल लुकअप सेम एज इन्फॉर्मेशन टू की लेनी है और शीट वन पर मूव करेंगे, और वन से हमने इधर से सिलेक्ट कर लिया गाइस ये रहा, ओके कॉमा, अब अपना डेटा चूज कर लिया इन्फॉर्मेशन डेटा और एंटर, देखिए गाइस आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रेफरेंस चेंज करूंगी गाइस 0106, देखिए गाइस 106 की डिटेल आ गई, और 106 पे क्या है गाइस, ये इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी वहाँ पे आ गई है, देखिए 10 आईडी है, मॉनिटर है, और इधर एलजी है, यहाँ पर क्वांटिटी 4 है, 5500 है, और यहाँ पे ये 25,000 है, जस्ट 22,000 है। ओके, देखिए गाइज ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है। तो गाइज ये तो था एक इसी फाइल में एक दूसरी सीट पे निकालने का। अगर हम एक नई फाइल में निकालना चाहें, मैं चाहती हूँ इन्फॉर्मेशन जो मैंने ली है यही इन्फॉर्मेशन मेरे को एक न्यू शीट पे चाहिए, तो हमने इसे गाइज एक नई शीट ले ली। ओके, और यहाँ से जो हेडिंग है गाइज इसे हमने चूज कर लिया, ये हेडिंग है ये मैं कॉपी कर रही हूँ गाइज उस फाइल पे। गाइज जरूरी नहीं है आप सारी हेडिंग लें, मैं इधर सिर्फ दो हेडिंग्स में इन्फॉर्मेशन निकाल कर बता दूंगी,
बाकी आपकी मर्जी गाइस, आप जितना भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने से एक नई शीट पर डेटा रिट्रीव करा लिया, देखिए गाइस ये रहा, ओके। अब सेव एज करेंगे गाइस, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और लुकअप लेंगे, ओके। लुकअप ले लिया, सेम सॉरी गाइस, यहाँ पे आप पहले अपनी प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे 0203 जो भी आईडी है, और हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और लुकअप, ठीक है गाइस। अब लुकअप ले लिया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, लुकअप किस में लेना है, लुकअप वैल्यू, तो ये मेरी लुकअप वैल्यू है कॉमा। अब इसके बाद हमें क्या करना है गाइस, अपने सोर्स डेटा पे जाना है, सोर्स डेटा मेरा इस फाइल में है शीट वन पर, शीट वन से मैंने अपना सोर्स डेटा चूज कर लिया गाइस, ओके। देन कॉमा लगा दिया, और इन्फॉर्मेशन किसकी चाहिए, प्रोडक्ट की, तो हमने इधर से प्रोडक्ट भी चूज कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया गाइस, एंटर कर दीजिए, देखिए गाइस यहाँ पे ये शो हो गया, ओके। सेम टाइप से आप कंपनी ले लीजिए, इक्वल लुकअप, ओके गाइस। और इसके पेज पे लेना है डिटेल कॉमा, और अपने सोर्स डेटा पे जाइए, आपका सोर्स डेटा कहाँ पर है, इस फाइल पे शीट वन पर है, शीट वन चूज कर लिया, देन इधर से सिलेक्ट कॉमा। अब इन्फॉर्मेशन डेटा कहाँ से लेना है आपको, इन्फॉर्मेशन किसकी चाहिए, कंपनी की लेनी है गाइस, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए गाइस ये कंपनी दिखा दी, अब यहाँ पे देख लीजिए आपकी जो सोर्स डेटा है उस पे जाकर 05 नंबर का जो इन्फॉर्मेशन है, कंपनी क्या है 05 की, और उसकी प्रोडक्ट नेम क्या है, कंपनी क्या है। तो देखिए गाइस ये रहा, रैम है और इंटेल है, ओके गाइस। तो इस वाली फाइल में हमारा यही शो हो रहा है, रैम और इंटेल, देखिए गाइस। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप गाइस हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं।